अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फिज़ान है। मैं अटक के इलाके अजरों से तल्लक रखता हूँ। ये मैंने अपने घर में एक सिस्टम लगाया हुआ है 3.2 VM3 kW का ये सिस्टम है इन्वरिक्स का। दोस्तों ये मैंने सारा सिस्टम टायर बाई के तावन से लगाया है। जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, किसी किस्म के मशवरे की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं इनसे फ़ोन पे बात करता था। तो दोस्तों आए हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। इसकी देखें, बिल्कुल लाइट ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखें कि आज थोड़ा सा क्लाउडली मौसम है, आज कोई सही धूप भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये बैटरी चार्ज कर रहा है और साथ भी कुछ लोड भी चल रहा है। दोस्तों हम देखते हैं क्या लोड चल रहा है। 328 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं पीवी से, 2.3 अम्पायर आ रहे हैं, 736 वाट लोड है, 16 अम्पायर बैटरी को जा रहे हैं, 433 वाट जो है वो लोड चल रहा है और 27 पे बैटरी फुल है, 12% का लोड है, 13% का, क्योंकि अभी एक फ्रिज भी चल रही है इसके ऊपर और ये सेटिंग कुछ इस किस्म की है कि सामने ही है। तो दोस्तों कुछ आपको सेटिंग के बारे में भी बता देते हैं। जी दोस्तों ये देखें, एस यू बी पे अभी रखी हुई है क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोई अभी ज़रूरत भी नहीं है। 60 FLD का मतलब होता है कि दोस्तों जब आप पानी की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो FLD पर रखेंगे। अगर आप खुशक बैटरी, ड्राई बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर AGM पे रखेंगे, या इसमें एक ऑप्शन होता है। AGM और यूज़, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी बैटरी आपके पास है, खुशक है या वो दूसरी है, तो आप यूज़ पे रखेंगे इसको। मैं इसको हम सेटिंग में ओके कर देते हैं। दोस्तों ये शेड इसके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि बाहर है, दो सौ 20 वोल्ट पे 30 एम्पीयर पे सेटिंग बनी हुई है, 23 इसकी मिनिमम है। बीप ऑफ है, लाइट भी ऑफ है, अलार्म ऑन है, इस तरह की ये रोटेड एम्पायर। ठीक है दोस्तों, अब इस पर से वापस चले जाते हैं। ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्टेड है दोस्तों, ब्लूटूथ के साथ भी आराम से ये मोबाइल की अपने ऐप आती है, वो आप डाउनलोड करें और इसको इसके साथ आराम से आप चेक कर सकते हैं अपनी सेटिंग। ये दो वायर दोस्तों जा रही है बैटरीज को, जो कि ये बैटरी दो पड़ी हुई है, पुरानी बैटरी है, अभी मैंने नई नहीं लगाई, ठीक है जी, कमी पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये एक वायरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक। दोस्तों ये मैंने न्यू फाउंडेशन बनाई है बैटरीज के लिए, नीचे बिल्कुल इसके नीचे ही, क्योंकि अगर मैं ट्यूबलर बैटरियाँ लगाऊँगा बड़ी हैं तो वो ऊपर नहीं रख सकता, इसको नीचे जगह बनाई है। मैंने अपने बरामदे में ये लगाया हुआ है, बाहर है, कमरे से बाहर है ये सिस्टम। दोस्तों आप इसके ऊपर देखते हैं कि एक तो चल रहा है हमारे पास फ्रिज, फ्रिज देखते हैं क्या हिसाब किताब है फ्रिज का। तो दोस्तों ये हमारे पास एक फ्रिज है जो डाइवो कंपनी का है, ठीक। दोस्तों ये देखें हमारे पास फ्रिज बिल्कुल चल रहा है बेहतरीन, लाइट आपको नज़र आ रही है, ऑन है, ठीक है। दोस्तों ये इसका एक स्टेबलाइजर वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये देखें हमारे पास एक ये 1.5 kW का जो है पंप है पानी वाला, इसको आप चला के चेक करते हैं।
तो इसका भी ये बटन लगे हुए। दोस्तों ये देखें, यहाँ से ये पानी आना शुरू हो गया। तो अब दोस्तों ये देखते हैं क्या हिसाब किताब। देखिए आप, आज का ये क्लाउडी मौसम है, आज कोई भी धूप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए दोस्तों अब क्या हिसाब किताब है इसका। ये देखिए दोस्तों काफ़ी लोड इसके लिए हुआ है, 327 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं, 2.3 7.55 जो कि मोटर और फ्रिज दोनों चल रही हैं अभी, ठीक है। बैटरी को बिल्कुल 0% जा रहा है, 24 8 पे बैटरी है, 9 पे चली गई है चार्ज हो रही है सर। बैटरी पे से भी अभी करंट ले रहा है क्योंकि ऊपर से नहीं आ रही वोल्टेज, और पीवी से भी बिल्कुल हमारी बिजली भी बंद है। ये देखिए दोस्तों जिसने अभी चार्जिंग शुरू कर दी है तो 25 3 पे ये पहुँच गए। ये देखिए दोस्तों 5 एम्पीयर बैटरी को जा रहे हैं, 1000 से ऊपर का ऊपर से आ रही बिजली, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज मौसम ये देखे 1.0 किलोवाट का है लोड चल रहा है, 120, ठीक है दोस्तों। 3 एम्पीयर अभी ऊपर से आ रहे थे, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा क्लाउडली है। और दोस्तों ये जो वायर आ रही है हमारे पास 16 mm की ऊपर से आ रही है, ये पीवी से आ रही है, ठीक है, पर ये दो बैटरी को जा रही हैं। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं कि हमारे पास जो प्लेटें लगी हुई हैं वो कौन सी लगी हुई हैं और किस तरह लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास प्लेट लगी हुई हैं, मोनो प्लेट लगी हुई है, ठीक है। ये 9 प्लेट हैं, ये देखें दोस्तों ये फिक्स फ्रेम है जो कि गर्मियों के हिसाब से 20 डिग्री के ऊपर सेट हुआ होगा। ये देखें दोस्तों ये कुछ इस तरह का सिस्टम लगे हुए है, क्योंकि आज थोड़ा क्लाउडली मौसम है तो इस वजह से ये देखिए इसकी वायरिंग हुई हुई है, सारी सीरीज़ में लगी हुई है। इसके स्टिकर के बारे में मैं आपको बताता था चलूँ, कुछ सही मुझे भी इधर से नज़र नहीं आ रहा। ये देखो दोस्तों ओनी कंपनी की है ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आ गया इसका सिस्टम ऊपर जा रहा है जो कि बाहर सीधा ये तार उधर से होती हुई नीचे कमरे में जा रही है, ठीक है दोस्तों। यह सिस्टम था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, ठीक है सर।